Are we live? Yes, we are. Good evening, everyone. This is Dr. Mani, and on behalf of Vedanta Biotonic, I welcome you all to today's मजेदार धमाकेदार एब्सोल्युटली मैं लिज्जतदार बोलने वाली थी देन आई रियलाइज मतलब पापड़ का ब्रांड है एनी विच वे सो वेलकम टू द सीबीएसई 11th बोर्ड नीट रीस्टार्टिंग द सिलेबस फ्रॉम स्क्रैच एंड लेट्स टुगेदर एब्सोल्युटली रॉकेट केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमने कभी नहीं किया है वी गोइंग टू बी डूइंग दैट सुपर अमेजिंग टॉपिक इन टुडेज क्लास सो गुड इवनिंग एंड विदाउट वेस्टिंग एवन अ सिंगल मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होने वाली है अगर अभी तक भी आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ज्वाइन नहीं किया और अगर आप इंस्टाग्राम पे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वहां पर भी सिर्फ पढ़ाई होने वाली है बायोटॉनिक फॉर नीट पे भी सिर्फ पढ़ाई होने वाली है पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है टाइम टेबल नहीं बन रहा है समझ में नहीं आ रहा है ड्रॉप करना है नहीं करना कब पढ़े कैसे पढ़े किससे पढ़े क्या करें बायोटॉनिक फॉर नीट एडमिन है वानी मैम गेट बैक इन टच विद मी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स 9 बजे भी सिर्फ पढ़ाई होने वाली है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का इम्यूनिटी टॉपिक आफ्टर डूइंग मलेरिया We are going to be doing sharp at 10 a.m. tomorrow morning. डन कल हम करने वाले हैं हॉर्मोन्स इन अ लॉट ऑफ डिटेल वो कैसे जाते हैं आज मैं थायराइड हार्मोन तक सब कुछ खत्म करवाने वाली हूं एंड कल शाम को बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का मेंटी होगा डन एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है बिकॉज कुछ अनाउंसमेंट एचआरडी के मिनिस्टर ने करी है सो व्हाट आर द अनाउंसमेंट्स व्हाट इज द एजुकेशन मिनिस्ट्री गोइंग टू टेल अस व्हाट इज द एचआरडी मिनिस्ट्री टेलिंग अस तो ये चीजें मैं आपको बताने वाली हूं एट 6:30 PM आफ्टर द लेक्चर आज क्लास के बाद एक बहुत अमेजिंग मेंटी है विच इज अ मेंटी ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मेंटी ये है दैट यू विल बी एबल टू टाइप एंड राइट योर आंसर्स सो स्टे ट्यून्ड फॉर द मेंटी एट द एंड ऑफ द क्लास कूल एवरीबॉडी वेरी स्पेशल मेंटी सो चलिए नेक्स्ट 1 सेकंड में क्लास को शुरू करते हैं अब हम वी विल ट्राई एंड डू दैट आप सबको टाइम पे आना है बिल्कुल टाइम पे और बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होगा Because पास करने के लिए तो टाइम है ही नहीं ना अब तो सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम आ चुका है दिसंबर शुरू हो चुका है सो मेक श्योर दैट यू लाइक मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब मेक श्योर यू बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल भी लेट मत आइएगा डन चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड पहले 2 या 3 मिनट में ही हम क्लास स्टार्ट कर देंगे टाइम पास करने का गपशप मारने का टाइम हमारे पास नहीं है राइट केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर है अ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ सेल्स आपने पैरोटिड ग्लैंड देखे हैं सलाइवरी ग्लैंड देखे हैं पैंक्रियाज देखा है एड्रीनल ग्लैंड देखा है थायराइड ग्लैंड देखा है ओवरीज के बारे में सुना है टेस्टिस के बारे में सुना है ऐसा कोई भी इट्स अ टिश्यू का एक बेस एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसमें सेल्स टिश्यूज ऑर्गन स्पेशलाइज्ड हो किसी सब्सटेंस को सिक्रीट करने के लिए इट इज रेफर टू एज अ ग्लैंड डन इसके बाद 13th चैप्टर भी करवा दिया जाएगा यस एवरीबडी 6 AM पर भी क्लास होगी मैं पहले ही सोच चुकी हूं कि 6 AM की क्लास होगी 6 AM की क्लास जनवरी में शुरू की थी याद है ना वो भी करवा देंगे टेंशन नॉट कूल हाई फाइव दे दो और दिल बड़ा करो अभी और एक लाइक करो अभी के अभी राइट नाउ डन आज से कितने बच्चे जो अपनी प्रेपरेशन दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं वी बायोटॉनिक के साथ 2021 वाले रेज योर हैंड्स कर दो कि मैम आज से हम अपनी प्रेपरेशन वी बायोटॉनिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब लेट्स गेट स्टार्टेड सो ग्लैंड एक ऐसा सेल का ग्रुप टिश्यूज ऑर्गन है जो सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर सकता है एनीथिंग जो सब्सटेंस को सिक्रीट करने के लिए बट इसके पास कोई डक्ट नहीं है देयर इज नो डक्ट दैट इज रेफर टू एज एंडोक्राइन ग्लैंड ये डायरेक्ट अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में डाल देगा इफ इट हैज नो डक्ट डक्ट मतलब देयर इज अ प्लेस टू गो आउट देयर इज अ प्लेस टू गो आउट गो आउट की जगह हमेशा एग्जिट होता है दैट दिस इज द प्लेस टू गो आउट सो उसको कहते हैं एग्जोक्राइन एग्जोक्राइन वो है जिसके पास कोई डक्ट है फॉर एग्जाम्पल स्टेंसन्स डक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड सो एंडोक्राइन इज योर डक्ट लेस
और क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं है, दे लैक डक्ट, ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल देंगे. फॉर एग्जाम्पल एड्रीनलिन, जो एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन सिक्रीट करेगा, थायराइड ग्लैंड जो T3 T4 सिक्रीट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. डन. लिवर, यस, लिवर के पास डक्ट होती है, कॉमन बाइल डक्ट, सेलाइवरी ग्लैंड के पास डक्ट होती है, गैस्ट्रिक, जिनके पास भी डक्ट है उनको हमने कहा है द एक्सोक्राइन ग्लैंड. नो टॉकिंग एंड ओनली स्टडिंग इन द क्लास. वर्ड एंडोक्राइन एक वर्ड से आया है और उस वर्ड को कहा जाता है एंडो, विच मीन्स इनसाइड, विद इन. इसके पास कोई भी डक्ट नहीं है, विद इन, राइट. क्राइन मीन्स सेपरेट, सिक्रीट करना, इसके पास सिक्रीट करने के लिए, सेपरेटली सिक्रीट करने के लिए कोई भी डक्ट नहीं है. इट इज गोइंग टू सिक्रीट इट्स structures or whatever it is wanting to secrete directly into the blood. जो भी ये secrete करेगा उसको हम hormones कहते हैं. It's a very important MCQ question. क्या कहा जाता है जो भी ये secrete करेगा, it is called hormones, जो directly blood में, और क्योंकि blood goes into all the parts of the body, it is then carried throughout the body wherever they are required. एक बहुत important चीज मैं आपको बताती हूँ, ये सारे हॉर्मोन्स आपको ब्लड में, देखिए कैपिलरी, दैट मींस ये ब्लड में जाते हुए नजर आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक हॉर्मोन का नाम ले लेते हैं, क्विकली लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट. उस हॉर्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, FSH, और ये किसने सिक्रीट किया, पिट्यूटरी में. किसने सिक्रीट किया, पिट्यूटरी. और इसको जाना कहां है, इसको जाना है ओवरी तक. सो अगर ये ओवरी है तो इसके ऊपर सिग्नल है. डू यू ऑल हैव अ मोबाइल फोन एट होम? अगर मोबाइल फोन में एयरटेल का सिम डालेंगे तो एयरटेल सिग्नल विल कम. इफ यू पुट वोडाफोन सिम इन द मोबाइल फोन, वोडाफोन सिग्नल विल कम. सो दिस इज द रिसेप्टर ऑन द ओवरी, दिस इज द ओवरी एंड दीज आर द रिसेप्टर्स एंड दिस इज द FSH. एंड कैन यू सी द FSH विल गो एंड अटैच टू द रिसेप्टर्स on the surface of the target vessel. Is that clear, everybody? That there is no old telegram group. The new telegram group is called Biotonic for NEET with all the safety features intact. Correct, everybody? So, ab samajh mein aaya? So, ye target cell hai. Yahan pe target cell kaun hai, beta ji? Ovary. These are the receptors and this is the hormone which is being transported. करेक्ट. अगर आप घर से चले हैं और आपको जाना है, मान लीजिए जयपुर में किसी स्पेशल जगह पर, जो आपको नहीं पता है क्या है, यू विल पुट गूगल मैप्स एंड द गूगल मैप विल टेक यू एग्जैक्टली देयर. सो द रोड इज द ब्लड, द पर्सन इज यू, द हार्मोन, एंड वेयर यू हैव टू गो इज द रिसेप्टर्स. द रिसेप्टर्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक. अगर रिसेप्टर इस शेप का होगा तो इसके ऊपर इस शेप का हार्मोन अटैच होगा. अगर रिसेप्टर ऐसा होगा तो हार्मोन का शेप भी ऐसा होगा. सो द रिसेप्टर एंड द हार्मोन्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक. आई वांट वन बिग थम्स अप ऑन माय स्क्रीन, राइट. कितने बच्चे मेरे जो बोल रहे हैं, राइट एवरीबॉडी, कितने बच्चे जो बात कर रहे हैं, ओके संतोष, दे आर फिट फॉर ईच अदर. आ जाइए हार्मोन्स. हार्मोन्स, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. हॉर्मोन्स के पास न्यूट्रिएंट नहीं होते, सिर्फ काम करवाते. नॉन न्यूट्रिएंट इज अ वेरी, ये विटामिन मिनरल इस टाइप, मतलब इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है. दिस इज नॉट लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, राइट. दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, और मैं अभी बताती हूँ, मैं MCQ करवाऊंगी अभी क्लास में आने वाले हैं. बेटा आज की अगर आपने क्लास देख ली ना, आप 5 मिनट रुक जाओ, आप देखना कैसे कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे और कैसे मैंने पूरे चैप्टर को क्वेश्चन के फॉर्म में तोड़कर लाई हूँ. मैंने पूरे 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 चैप्टर्स को क्वेश्चंस के फॉर्म में तोड़ा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. आई विल शो इट टू यू, एक बार दिखा दो एंड यू विल बी लाइक, मैम ऐसे क्वेश्चन आते हैं? ये देखो, ये तो शॉर्ट आंसर है, आप देखो, जस्ट कीप वॉचिंग इट. अब आप ये देखो, क्वेश्चंस देखो आप. साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कैसे लिखेंगे आप इसको बताइए. अगर कोई वेकेशन के लिए इंडिया फ्रॉम US आए तो मेलेटोनिन हार्मोन का कैसे क्वेश्चन आएगा, राइट. पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टोरेज रिलीज, मैंने एक एक चीज को आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूरा चैप्टर समझा दूंगी.
milk bed, and where you will be like, wow, this is how you will not have any problem in your board exams. The entire topic I will explain only in the form of question answers. Har ek concept pe I have got questions. Or very short answers, we will do it in the form of mentee. This is going to be a next level epic class. Next 1 hour is going to be absolutely next level epic. ठीक है, यहां पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी आपको समझानी है. They act as intracellular messengers. They may be steroids, proteins, peptides, amino acid relative. बहुत important point है. एक चीज कॉपी कर लो. Very, very, very important. एक चीज आप प्लीज कॉपी कर लीजिए. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है. सिलेबस ऑफ थर्सडे टेस्ट में आपको कल बताने वाली हूं बेटा जी. डोंट यू वरी. सबसे पहले हॉर्मोन्स कैन बी स्टेरॉइड. एमसीक्यू थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. तो प्लीज आप सारे बच्चे कॉपी करेंगे. ऑल योर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, राइट, टेस्टोस्टेरोन, सेक्स स्टेरॉइड्स है आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड योर टेस्टोस्टेरोन. कैन यू कॉपी दिस डाउन फॉर मी प्लीज. Your estrogen, testosterone, progesterone are your steroid hormones. इसके बाद आए आपके protein and peptide hormones. Can you copy this down? Let's change the color. ये आपके one mark वाले questions का favorite question हो सकता है. Correct? और yes, सबसे एक और चीज बता दो बेटा. देखो, एक जगह से निकल रहे हैं और दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो ये एक सेल से दूसरे सेल इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं. Inter between two, yes or no? They are going from one and they are taking information to the other. That is referred to as inter. They are coming from one side and taking information to the other side. मैंने आपको ये कितनी बार समझाया, अगर एक के अंदर है it is referred to as intra, but अगर दो के बीच में है it is referred to as inter. This is something which I have explained to you many a times. Right? अब आ जाए proteins और peptide hormones पे, which happens to be really important. What are the proteins and peptide hormones? All my regular students, pure NCERT series है आपकी. Insulin, hypothalamic hormone, human chorionic gonadotropin, आपकी insulin, आपके hypothalamic hormones are your peptide hormones. Right? आपका adrenaline, catecholamines, write this down, your adrenaline, catecholamines are your amine-based hormones. Adrenaline, catecholamines are your amine-based hormones. Hormones metabolism करवाते हैं, that means खाना जो है वो burn होगा और ATP बनेगा, growth करवाएंगे. Hormones like follicle stimulating hormone, hormones like estrogen, progesterone, testosterone will also cause sexual development. A hormone affects the functions of another cell, tissue or organ. और target cell के पास क्या होता है हमेशा? Target cell के पास होगा receptors for that particular hormone. Right, Princy ji, Rajika? So मैंने आपको बता दिया what is a steroid hormone. I've told you peptide hormones. I've told you amine hormones. They will help in sexual development. We've specifically told you the hormones. They will have receptors which are very, very specific. चलिए guys, ये आपकी body के पूरे hormones है. Thyroid, ये पूरे, इस पे question आया हुआ है 2011-12 में. आपके जो exemplar है ना, ये सारे questions मैंने exemplar से लिए हैं, तो आपको exemplar करने की जरूरत ही नहीं है. हाँ जी बेटा जी, एग्जाम्पलर करनी नहीं है. अब आप आ जाओ, ये जितने देखो बेटा, एक डिफरेंस होता है, फीमेल्स में होगी ओवरी और मेल्स में होगा टेस्टिस. और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आप एग्जाम्पलर में जाकर देख सकते हो. यू डोंट हैव टू डू एग्जाम्पलर फॉर बायोलॉजी बिकॉज वानी मैम हैज ऑलरेडी डन इट विद यू. सो दिस इज द डिफरेंस. रेस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स आर सेम. यू हैव हाइपोथैलेमस which is on top, which is controlling the pituitary gland. Hypothalamus आपके main question में आ सकता है. I will do it with you. No worries. आज आपको करवाया जाएगा. Hypothalamus के बाद आएगा pituitary. So अगर ये hypothalamus है, there is a stalk जिसका नाम होगा infundibulum, जिसमें से hang करेगा pituitary. और pituitary के base पे to protect the pituitary, you will have cella turcica. Write this down. You were hypothalamus, infundibulum, pituitary, right Devyanshu, right Kunoth Rimjim, or uske base mein to protect it, you will have the cella turcica. Cool.
देन यू विल हैव द थायराइड ग्लैंड जो मेटाबॉलिज्म करवाता है. अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा बच्चों में क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा इन एडल्ट्स, हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, इन डिटेल वी आर गोइंग टू डू इट. पैराथायरॉयड जो कैल्शियम को कंट्रोल कराता है, जो पेयर्स में होता है, it is behind the thyroid. The females have ovary which secrete estrogen, progesterone. You have the adrenal glands jinka naam suprarenal hota hai because these are above the kidneys. They are referred to as the suprarenal glands. They have adrenaline, noradrenaline. That is why you always do the fight or flight. Very important question. You have the testes which is stimulated by the ICSH, yes or no? Interstitial cell stimulating hormone and releases testosterone. You have the parathyroid and the thyroid. The difference between the two happens to be the testis and the ovary. Right, everyone? Chali, let's do it in detail. There are many endocrine glands in the human body. Name the glands which are absent in male and the one which is absent in female. Which is absent in males? Ovaries. Which are absent in the female? Testes. Is it clear? And let me tell you one very important thing here. Testis is referred to as a heterocrine gland. Kitne bachcho ko pata tha ye? Because it not only produces the glands, it's a gland which is going to produce the hormones like testosterone, but it's also going to produce the gametes. Yes, it will also produce the gametes. Correct? And ovaries, because ovaries bhi aapke liye gametes banati hai. And they also produce the hormones. What is removal of the ovary called? Oviridectomy. Removal of the ovaries ko kya kehte hai? Oviridectomy. Right? Below the pituitary, agar ye aapka pituitary hai na beta Sumedha ji, to pituitary ka jo protective covering hota hai na, uska naam hota hai cella tersica. Likh lo, bahut important hai. Bony covering hoti hai cella tersica. Aur ovary ke removal ek bar question aaya hua hai, bilkul aap theek bata rahe ho Kunut, oviridectomy. To meri class mein aapko bhar bhar ke aise extra information milegi, likhte chale jao. Dan Shifa, Ruby, Abuzar. Badia. But guys, make sure each one of you has become a part of V Biotonic. Yaar sach mein, teacher ko aur kuch nahi chahiye, teacher just wants the love back from the children. So make sure each one of you really has become a part of V Biotonic. Abhi bhi agar like, share, subscribe nahi kiya, to become a part of V Biotonic. Cool. Done. Class 11th mein agar ho, bio ki tension mat lo. I am there for you day and day after day and day after day, we are going to make sure that hum yaar bahut acche se padhai kare. But guys, aapko physics aur chemistry bhi karna hai, acche se padho. English aur Hindi ke batches hamare paas hote hain, aap ghar se padhiye, aaram se padhiye. Pro membership, trust me when I say this, aapka 11th, jo abhi bachche aa rahe hain, aapko pata hai hamare 11th ke pro membership ke batches full hain. Because 11th ke baad, we will enroll you in class 12th and make sure that aapki padhai bahut bahut acche se ho. Tests, assignments, theory, MCQ, doubts, everything is done at a price which is phenomenal. So please chale jayega vdnt.in/ytpro. That's the code and use the code vdpro. Ab ek ek karke start kare from the beginning to the end, pure ka pura chapter. Aur specially pata hai questions aayenge na, kitne bachche hote question dekh ke na question समझ नहीं पाते या क्वेश्चन आ रहा है पर फिर भी गड़बड़ कर देते हैं. हाउ इज देयर एनीबॉडी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है यार, अच्छा ये लिखना था. पता है मेरे साथ एक बार हुआ था, क्लास 11th या 12th का बोर्ड एग्जाम था. आई न्यू द आंसर बट मेरे को लगा ये क्वेश्चन तो बड़ा हाई फाई है और मैंने अपने मन से बायो का ही पेपर था, सिर्काडियन रिदम या कुछ पूछ रहे थे और मैंने फुल ऑन हाई फाई आंसर बनाया. और आफ्टर द क्लास में टीचर के पास गई, मैंने कहा मेरा आंसर, तो उन्होंने मुझे बोला मानी ये क्या किया तुमने, इतना सिंपल क्वेश्चन था. आई एम लाइक यार मैम ये पूछा था, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ही मतलब एकदम पूरी बायो का पीएचडी करके लिख डाला. हैपेंस नो, सो लेट्स डू दैट एग्जैक्टली नाउ. आई विल गेट क्वेश्चंस, थ्योरी करवाऊंगी, डेप्थ में करवाऊंगी बट क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगी. डन. व्हाट से थ्योरी कराऊंगी, डेप्थ में कराऊंगी, क्वेश्चंस के फॉर्म में कराऊंगी ताकि एग्जाम में तो चक दे फटे. एब्सोल्यूटली. हाइपोथैलेमस इज अ न्यूरोएंडोक्राइन पार्ट. Hypothalamus is sitting on top as a control center. And अगर इसको काम करवाना है, ये release करेगा releasing hormone. तो releasing hormone के आगे मैं लिख देती हूँ plus, because ये काम करवाएगा. और अगर काम नहीं करवाना है, तो ये release करेगा inhibiting hormone. मैं लिख देती हूँ negative. ये काम को बोलेगा रुक जाओ, stop, right? Which stops or starts the production of other hormones. Releasing hormone करवाएंगे stimulant. चलो जी, start.
ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स. इनहिबिटरी क्या करेगा? इनहिबिट, इनहिबिट. तो अगर हाइपोथैलेमस ऑन टॉप है, ये आपको एक स्टॉक नजर आ रहा है, इस स्टॉक का नाम होता है इनफंडिबुलम. क्या नाम होता है? इनफंडिबुलम. और ये रहा पिट्यूटरी. अगर आप इस पिट्यूटरी के डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, यू विल हैव अ एंटीरियर पिट्यूटरी, यू विल हैव अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ह्यूमन बीइंग्स में इट इज वेस्टिजियल, किसी काम का नहीं होता. देयर इज अ मिडल पिट्यूटरी, देयर इज अ मिडल पिट्यूटरी. ये मिडल पिट्यूटरी जो है वो मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन वगैरह रिलीज करता है, बट इट इज नॉट देयर इन ह्यूमंस. मेंटीज कमिंग. सो यू डू हैव एन एंटीरियर पिट्यूटरी. मेरे को लग रहा था आनंद प्रकाश लिख दिया है. Yes, AP, AP sir, बोलने क्या था? You have an anterior pituitary, you have a posterior pituitary, and you have a middle pituitary. Right? You have a hypothalamus, you have a stalk, and you do have a pituitary, which is the anterior, middle, and posterior. अगर hypothalamus को काम करवाना है, बोलेगा चलो stimulating hormone काम कराइए. और अगर काम नहीं करवाना है, it will be inhibiting hormone. I will talk about all of these. तो पिट्यूटरी आपका मास्टर ग्लैंड है, रिलीज यही करेगा. हाइपोथैलेमस सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करेगा. पिट्यूटरी इज अ स्मॉल पी साइज्ड ग्लैंड, छोटा सा होता है. एमसीक्यू कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन बाय अ स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम. आपने इसको तोड़ दिया है इनटू द एंटीरियर एज वेल एज द पोस्टीरियर. अब इसके ऊपर मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाना है. अब यहां पर करके बताती हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पिन ड्रॉप साइलेंस. मैं एक किताब पढ़ रही थी अभी जस्ट नाउ, स्टीव जॉब्स पे पढ़ रही थी, बहुत ही अमेजिंग किताब है. तो उस पर लिखा था, जब स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले अपने पर एक मूवी बनी देखी, तो उसने अपनी पूरी टीम को पिज्जा पार्टी दी. तो जैसे ही मैंने सुना पिज्जा पार्टी, मेरे को एकदम से मन में ख्याल आ गया पिज्जा खाने का. अब अगर मुझे पिज्जा खाना है, मेरे पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल है, चलो जी जोमैटो करो फटाफट से. तो क्या अगर मैंने Zomato किया, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, लेट्स गेट क्विकली इन्वॉल्व विद दिस क्वेश्चन. इफ आई एम ऑर्डरिंग माय पिज्जा थ्रू Zomato, एम आई गोइंग टू कुक माय पिज्जा? एम आई गोइंग टू कुक माय पिज्जा? नो. आइदर डोमिनोज और पिज्जा हट, समबडी विल कुक. विल आई कुक? Will I cook the pizza? No, ma'am. Somebody else will cook. The Zomato guy will come and give it to me. I will just receive and enjoy my pizza. Simple. But other option for me is I go to the market, may I get some capsicum, I get some tomatoes, right? I get some pizza base and all, and I cook my own pizza slow and steady. तो मैं YouTube खोलूंगी, YouTube पे हाउ टू मेक पिज्जा की रेसिपी लगाऊंगी, एंड आई एम गोना कुक माय ओन पिज्जा. आई गेट द इंग्रेडिएंट्स, आई कुक माय ओन पिज्जा. यस खुशी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी अ पिज्जा. राइट एवरीबॉडी, सिंपल. तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ये है मेरा एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अगर हाइपोथैलेमस कुक करता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हाइपोथैलेमस कुक करे, लेट मी यूज अ ब्लैक कलर पेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस. अगर हाइपोथैलेमस कुक करेगा तो वो Zomato को बुलाएगा, और Zomato जो है वो नर्व्स है, नर्व याद रखना, और वो सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास चला जाएगा. किसके पास? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या खाना बना रहा है? नो, क्योंकि कुक किसने किया है? कुक हाइपोथैलेमस कर रहा है. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने तो सिर्फ क्या किया? रिसीव एंड स्टोर. तो मैं भी उसको रिसीव करूंगी पिज्जा को, थोड़ी देर के लिए रखूंगी और चाय बनाऊंगी और साथ में खा लूंगी. सो द हाइपोथैलेमस इज कुकिंग द पिज्जा और व्हाटएवर इट इज सेंडिंग इट टू द Zomato गाय थ्रू द नर्व्स. पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रिसीविंग इट एंड स्टोरिंग इट. दीज आर द हार्मोन्स. वेयर एज ये क्या करेगा हाइपोथैलेमस, ये सारी की सारी जो रेसिपी है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को दे देगा. तो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करना पड़ेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी विल हैव टू मेक द हार्मोन. एंटीरियर पिट्यूटरी विल हैव टू मेक द हार्मोन. इट इज ओनली रिसीविंग द रेसिपी थ्रू
the hypothalamus blood supply. So this is very important. You have two parts of the pituitary. You have anterior pituitary and posterior pituitary. The anterior pituitary receives the signal to make the hormone. Bhai, aise banana hai. Pehle tomato kaato, pyaas kaato, lasan kaato. Then just take a frying pan and saute it. And then, you know, put it on the pizza base. And then put some cheese on it and whatever, X, Y, Z. So the recipe to make is given to the anterior pituitary. The anterior pituitary is making it. Whereas a ready-made cooked pizza is going to the posterior pituitary. So posterior pituitary is only receiving and storing. This is a very important part. But the anterior pituitary is making its own hormones. Did you understand exactly this happens? So the posterior pituitary is only receiving and storing. Because the posterior pituitary is receiving the nerves, can I call it the neurohypophysis? Can I call it the neurohypophysis because it is receiving the signal from the nerves on my screen and one big heart on the screen? And the pizza is made up of oxytocin and antidiuretic hormone. The pizza for the posterior pituitary is made up of oxytocin and antidiuretic hormone. It is receiving from the nerves. I call it the neurohypophysis. Ye aage ki taraf laga hai, I'm going to call it the adenohypophysis. What am I going to call it? I'm going to call it the adenohypophysis. It's going to make its own. So I'm going to delete the slide. I hope you all clicked a snapshot of this. And here the slide gets deleted and we move on to the next one. So this is very important. This is very, very important. It releases hormones received from the hypothalamus. Received. Did you remember the Zomato pizza example? Example is oxytocin and antidiuretic hormone. Very important. I will tell you the functions. It releases its own hormones. It's going to manufacture. Because isko to hypothalamus ne sirf kya bheja hai? Hypothalamus ne iske paas bheja hai recipe. And it will have to cook. So therefore it manufactures. Yes, growth hormone, thyroid stimulating hormone, there are many other hormones. Is that clear? I want one big like on the screen. Is that clear? This is your adenohypophysis. This is your neurohypophysis. Agar abhi tak aapko ye nahi pata tha, I told you that I will do detailed conceptual classes. Right, everybody become a part of We Biotonic for all these super amazing classes which will continue regularly from now. So ek bar hum anterior or posterior pituitary dekh lete hain, ye bahut important hai. Posterior pituitary mein hota hai oxytocin. Aur kya hoga posterior pituitary mein? Antidiuretic hormone. Anterior pituitary mein kya hoga? Adrenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. Right everybody? To posterior pituitary mein kya aata hai bachcho? Posterior pituitary pe aapka aata hai. Aapko dikhai de raha hai posterior pituitary mein ki kaun aa raha hai? Nerve signals. Nerve signals. Aaya samajh mein? Oxytocin and antidiuretic hormone are manufactured. Oxytocin and vasopressin, jisko ADH kehte hain, ye kisne banaya? Hypo. Aur kisko de diya? Posterior pituitary. Everything else is the anterior. In dono ko chhodkar baki sab kuch is made by the anterior pituitary. Correct? Anterior pituitary. In dono ko chhod ke baaki sab kuch is by the anterior pituitary. Ek ek karke ye sare hormones dekhte hain. And then we get into the details of these hormones. Bahut, bahut important hai. Aur specially wo main aapko karwane wali hu with the help of the slides which I've made. Menti menti Prathna ji, thodi padhai kar le, fir menti karenge. Hai na? थोड़ी पढ़ाई तो कर ले, फिर तो मेंटी करने का फायदा होगा क्योंकि मेंटी इज वेरी शॉर्ट आंसर. थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, फिर तो आपको टाइप करना है आज. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर ऑन मेंटी कभी नहीं हुआ है, आपको टाइप करना है. मुझे बहुत मन कर रहा है कि किस बच्चे ने सबसे पहले टाइप किया. द फर्स्ट चाइल्ड, आई रियली वॉन्ट टू सी दैट. यस, चलिए. तो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन स्टिमुलेट करेगा थायरॉयड ग्लैंड को टू सिक्रीट थायरॉयड हॉर्मोन लाइक T3, T4, which are basically involved in metabolism. That is why hyper and hypothyroidism is involved in metabolism. Adrenal gland, jo kidney ke upar hota hai, is the adrenocorticotropic hormones. Right? Adrenal cortex, glucose ka metabolism karne wale glucocorticoids. Sodium ka metabolism karne wale mineralocorticoids. Main sari cheeze discuss karungi. Right, one word answer Devi Anshu. And gonads ko karne wale gonadocorticoids. Growth hormone, body ko increase karvayenge. Agar body badi ho gayi zyada long, that is called as
gigantism, agar kam ho gayi, that is referred to as dwarfism, and agar body adult banne ke baad lambi ho rahi hai from the extremities, what is that called? Yes everyone, what is that called? Agar body extremely lambi ho rahi hai after adulthood ke baad, acromegaly. Prolactin, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है. प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के ऊपर एवरी सेकेंड ईयर वन क्वेश्चन कम, सबने देखा होगा. प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, कैन यू रिमेंबर पीएनपी? कैन यू प्लीज रिमेंबर प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन? स्टिम्युलेट्स मिल्क प्रोडक्शन बाय द मेमोरी ग्लैंड्स. गोनाड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन टेस्टिस और ओवरीज को से काम करवाएगा. गोनाडो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जो क्या करवाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल कॉज डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स. किसमें? फीमेल्स में, ताकि ओवरीज डेवलप हो जाए. एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है एग को रिलीज करवा देना. एंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाती हूं अभी आपको. ये सारे हॉर्मोन्स मैं आपको डिटेल में करवाने वाली हूं आज की क्लास में. थायराइड, ऑल दीज हॉर्मोन्स वी आर गोइंग टू डू देम इन डिटेल. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट, ठीक है. एंटी, व्हाट इज डायूरेसिस बताओ, व्हाट इज डायूरेसिस बताओ ना. डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट वॉटरी यूरिन. डायूरेसिस का मतलब होता है डाइल्यूट यूरिन. ये वर्ड से ही क्लियर हो जाना चाहिए. डायूरेसिस, डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है वॉटरी, जिसमें वॉटर ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज डायूरेस. सो बेटा, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन मीन्स इट इज अगेंस्ट वॉटरी यूरिन, अगेंस्ट एंटी डायूरेटिक, अगेंस्ट वॉटरी यूरिन. वॉटर में नहीं होना चाहिए यूरिन में. दैट मीन्स ये वॉटर के साथ क्या कर रहा है, लगाओ दिमाग. चलिए, इट विल रीअब्सॉर्ब द वॉटर, यस और नो, फ्रॉम द यूरिन. इट विल एब्सॉर्ब द वॉटर फ्रॉम द यूरिन. डिड यू अंडरस्टैंड दिस ऑन माई स्क्रीन प्लीज? डिड यू अंडरस्टैंड? So that the urine will be concentrated. So anti-diuretic hormone will concentrate the urine, because it is against dilute urine. It's going to concentrate the urine. There are certain animals who can influence their melanin content of the skin, right? Against, anti, against, dilute, pani ki tarah, dilute. पानी की तरह अगेंस्ट है, मतलब पानी को रीअब्सॉर्ब किया, मतलब यूरिन जो है वो डाइल्यूट नहीं है. मेलानिन इज अ पिगमेंट. अ पिगमेंट इज एनीथिंग व्हिच कैन एब्सॉर्ब लाइट. हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है जो लाइट को एब्सॉर्ब करता है. ये सारी लाइट को एब्सॉर्ब करता है, ब्लैक को रिफ्लेक्ट करता है. ये सारी लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है, ऑरेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट. ये सारी लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है, व्हाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो एनीथिंग व्हिच एब्सॉर्ब्स लाइट इज कॉल्ड अ पिगमेंट. वी हैव मेलानिन ऑन आवर स्किन. We Asians have more melanin than Caucasians, who do not have melanin in their skin compared to us. So we lower organisms, not human beings, have an ability to influence the amount of melanin on their skin. Lower organisms can influence the amount of melanin on their skin, which is the melanocyte stimulating hormone. Oxytocin causes uterine muscle contraction. Ab dekh lo. मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आया है. प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन. यहां भी मिल्क प्रोडक्शन लिखा है, बट पहले क्या लिखा है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे मेंशन हियर? मसल कॉन्ट्रैक्शन, पीपी. मैंने आपको पीपी से याद दिलवाया ना, पीपी, राइट. और कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ में भी ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है. और ये जो मिडल है ना, एमएम, जो आपका मिडल पिट्यूटरी है, पार्स इंटरमीडिया, बीच वाला, वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराएगा. अब हम एक एक करके मूव करें, एक एक करके क्वेश्चंस के बेसिस पे. बेसिक हार्मोन्स के क्वेश्चंस क्या आते हैं, अभी डिटेल नहीं, मैं आपको पहले बेसिक हार्मोन के क्वेश्चंस कराऊ. डन,
यस पायल जी, चलिए व्हाट इज मेंट, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया यार ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है एनसीईआरटी में, ये क्या? सिनर्जिस्टिक वर्क टुगेदर, लिख लो इसको, व्हेनेवर द हार्मोन्स दे वर्क टुगेदर, दे वर्क with each other, like you and me are working together to make sure that education reaches each and every part of the country. Yes, thanks Pranav Gaikwad. You look like you're from Maharashtra, is it? So synergistic, it's a type of hormonal interaction. देखो answer जब भी form करोगे सबसे पहले एक तो मैसेज, आप किसी के घर जाते हो पानी पीने तो सीधा जाके किचन में हेलो हाय नमस्ते कैसे हो बैठिए अच्छे हैं आप कैसे पानी पियेंगे हाँ जी प्लीज पिला दीजिए फिर एक ग्लास या सीधा एंटर टोइंग पे घंटी बजे सीधा यू डोंट डू सो व्हेनेवर यू हैव टू राइट एन आंसर एंड स्पेशली ऑल माय ब्रांड न्यू स्टूडेंट्स दिस इज ओनली फॉर यू यू नीड टू राइट डाउन सम इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में हमेशा होता है जब आपकी मार्किंग स्कीम आपको कराऊंगी इंट्रोडक्शन इट इज अ टाइप ऑफ What is meant by synergy? It is two hormones working together. No, it is a type of hormonal interaction where two or more hormones complement. Words देखिए आप भी लिख सकते हो. आप लिखते where two hormones help each other. Answer कितना मिलता? Zero. फिर आप जाते ma'am I have also written this. Ma'am see उसने भी यही लिखा है. Ma'am करते हो ना ऐसा मुझे पता है. 110% पता है. Ma'am that person has also written same. Ma'am उसको तो one mark मिला है. I have also written two hormone work together. Introduction. So that will give you half a mark in the examination. It is a type of hormonal interaction. Half a mark will be given to you for introduction. Where two or more hormones, this is the word. Write it down. Complement each other's action. Very important word. And both of them are needed for full expression of their effects. Ek bhi nahi hoga, to kaam nahi hoga. नूडल अकेले खाओगे मजा नहीं आएगा, मंचूरियन अकेले खाओगे मजा नहीं आएगा, नूडल्स के साथ मंचूरियन मिल जाए तो आई एम हंग्री नाउ. यस, सो इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोनल इंटरेक्शन व्हेयर टू और मोर हार्मोन्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. यस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड ईच अदर्स एक्शन एंड बोथ ऑफ देम आर नीडेड फॉर फुल एक्सप्रेशन ऑफ देयर इफेक्ट. एक भी नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा. सो आप फर्स्ट वालों में इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है. फर्स्ट वालों में इन्होंने सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को डिफाइन कर दिया है, जो आपके क्वेश्चन का आधा, इसके ऊपर वन मार्क मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हाफ मार्क मिलेगा, इंटरेक्शन के ऊपर हाफ मार्क और कॉम्प्लीमेंट फॉर फुल एक्सप्रेशन के ऊपर हाफ मार्क मिलेगा. तो आपको टोटल कितना हो गया इसके ऊपर हाफ मार्क, हाफ मार्क. और एग्जाम्पल्स के लिए आपको हाफ मार्क, हाफ 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 हाफ, आपके लिए बन गया टोटल टू मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए आपको हॉर्मोन चाहिए प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन. कितना अच्छा क्वेश्चन है. मैंने अभी आपको बोला प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन इज कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन. अगर आपने साथ में प्रोजेस्टेरोन भी लिख दिया इट इज सोने पे सुहागा. इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन ऑन बेसिक हॉर्मोन? कोई फंक्शनिंग नहीं है, सिर्फ हॉर्मोन के नाम पे कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया और आपने नॉलेज भी गेन कर ली दैट प्रोलैक्टिन इज प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोजेस्टेरोन अगर साथ में लिख दिया सोने पे सुहागा, यू आर गोना गेट फुल मार्क्स. Now all of you know what is synergistic effect, you know the effect of hormones. मैं आपको पूरा syllabus detailed theory में concepts के साथ ऐसे करवा दूंगी. क्या कहते हो? Done? पूरे December में detailed theory में एक एक चीज, and जब वो question के form में करते हैं ना उसका benefit आपको पता है क्या होता है? वो चीज याद रहती है. Yes or no? Whenever we do it in the form of question, we are able to remember. अब ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना अच्छा क्वेश्चन. अगर मैं आपको दो मिनट में करवा देती ना यू वुड हैव नेवर रिमेंबर्ड इट. अब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करवाऊंगी, आप देखना आपको कितना अच्छे से याद रहेगा. जॉर्ज कम्स ऑन अ वेकेशन, अब दो मार्क का क्वेश्चन है पर आप देखो एक्सप्लेनेशन कितना ऑसम एक्सप्लेनेशन है. जॉर्ज कम्स ऑन अ वेकेशन टू इंडिया फ्रॉम यूएस. ये कॉन्सेप्ट है स्लीप वेक साइकिल का, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दिया है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. लॉन्ग जर्नी थी, बेचारे का बायोलॉजिकल सिस्टम लिखा है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे? बायोलॉजिकल क्लॉक. एंड ही सफर्स फ्रॉम जेट लैग. क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट देखिए. जेट लैग मतलब उसको इंडिया में दिन के टाइम नींद आ रही है, रात के टाइम ही इज अवेक. What is the cause of his discomfort?
अब वर्ड आ गया जेट लैग, जिसमें ऑपोजिट हो जाता है. ड्यूरिंग द डे टाइम यू फील स्लीपी इन इंडिया, ड्यूरिंग द नाइट टाइम यू विल फील अवेक, इज बिकॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ बॉडी क्लॉक, जिसको हम सिर्कैडियन रिदम भी कहते हैं, जिसको हम स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यस और नो बायोटोनियंस, मेक अ हार्ट. कौन बनाएगा बच्चों हार्ट? ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा, बताओ जरा. मतलब नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन. यस, तो अगेन बिकॉज ऑफ अनफेमिलियर टाइम जोन, वहां दिन था यहां रात, यहां दिन थी वहां, सो बॉडी को डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लाइट एंड डार्क, MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मतलब इस क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में मैंने आपको बता दिया कि स्लीप वेक साइकिल डे और लाइट पे डिपेंड करती है, राइट और रॉन्ग. एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको कि स्लीप वेक साइकिल डे और नाइट के कंडीशंस पे डिपेंड करती है, बता दो. और इसको स्लीप वेक साइकिल कहते हैं. दैट मींस जब यहां पर दिन होगा तो मेलेटोनिन का लेवल कम, और जब यहां पे रात होगी तो मेलेटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा. मेलेटोनिन इज अ हार्मोन व्हिच प्लेज अ की रोल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू समझाने वाली हूं, ठीक है? अब यहां पर ये आपका मेन कॉन्सेप्ट की है जिसपे एम्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. जब सनसेट हो गया, आईज को दिखाई देने लग गई डार्कनेस, और हाइपोथैलेमस की अलर्टनेस हो जाएगी कम, क्योंकि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा मेलेटोनिन. सो डार्कनेस बढ़ी, मेलेटोनिन बढ़ा. Did you understand? और जब आईज को दिखने लग गया दिन, इसीलिए जब आप बचपन में छोटे थे और ऊपर छत पे सोते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे, तो आपकी सुबह जल्दी नींद खुल जाती थी. एंड इट विल विदहोल्ड, रोक लेगा डे इंक्रीज. ये डार्कनेस है, एंड या इसको ऐसे लिख लेते हैं, इजी कर देते हैं. लाइट इंक्रीजेस, मेलेटोनिन decreases. That is the reason, because melatonin alertness को भी करवाता है, melatonin alert करवाता है. इसीलिए कहा जाता है कि दिन में पढ़ा करो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, because you will automatically become more aware. Yes, अब आप आगे questions देखते चलो. I have got the most conceptual questions for you, so that you are able to understand every single thing which I am doing in the class. Full syllabus with the help of concepts I will explain it to you. Right? तो बेचारे का instant change हो गया ना? धीरे धीरे चेंज होता तो बॉडी को आदत पड़ती हार्मोन्स की. इंस्टेंट चेंज हो गया तो ही विल नॉट बी एबल टू फॉलो दिस. कूल, मैंने आपको दो चीजें समझा दी अभी. मैंने आपको प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन पूरा समझा दिया, मैंने आपको स्लीप वेक साइकिल मेलेटोनिन समझा दिया, राइट? मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन, यस, परफेक्टो. चले आगे. लाइकिंग दिस न्यू वे ऑफ टीचिंग ना? कॉन्सेप्ट मैप्स बना बना कर पढ़ेंगे बच्चों. अब आ जाओ, यही चीज जो मैंने आपको समझाई थी, क्या आप अपने वर्ड्स में लिख दोगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी मैंने आपको समझाया था. देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मैम हाउ टू राइट इन ओन वर्ड्स. मेंटी आ रहा है चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स. स्टोरेज रिलीज सेंटर मैंने अभी आपको क्लास के शुरू में एक्सप्लेन किया. जोमैटो एग्जाम्पल याद रहेगा? याद रहेगा मेरे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स को? जोमैटो एग्जाम्पल बताओ, बताओ, बताओ. यस और नो? यस. सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट मैन्युफैक्चर, ये वर्ड याद रखिए. स्टोर्स, ये वर्ड याद रखिए. अगर एग्जामिनर ने ये वर्ड देख लिया तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, ये वर्ड देख लिया तो आपको हाफ मार्क मिलेगा. इज दिस क्लियर? ये वर्ड मैंने आपको बोला नर्व से आएगा, ये वर्ड देखा तो आपको हाफ मार्क मिलेगा. अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे वहीं के वहीं. डज नॉट मैन्युफैक्चर, स्टोर करता है, और उस तक आता कैसे है? उस तक आता कैसे है? नर्व्स, नर्व. यस, इज इट क्लियर? और बना कौन रहा है? इसके आसपास की थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी. Does not manufacture, store, synthesize in the hypothalamus, transported with the help of axon. वो store करेगा. अगर आपने example दे दिया तो फिर तो teacher ज्यादा खुश होकर अगले question पे आपको half mark extra दे सकती है. It is all about image building. It's all about image building. तो अगर आपने लिख दिया oxytocin, antidiuretic hormone, teacher will be happy. पर example नहीं पूछे,
why पूछा है, why? तो why is, it does not manufacture, it only stores, they are synthesized in the hypothalamus, they are carried on by the nerves, इसलिए इसको neurohypophysis भी कहते हैं. हो जाएगा? Yes, I will see that राम गुप्ता जी. चलिए बड़े आगे ये देख लो. कोई कह रहा था मैम हाइपोथैलेमस पर तो क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है. हाइपोथैलेमस एक सुपर मास्टर ग्लैंड है. क्या मतलब हुआ इसका? सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, राइट? हाइपोपिट्यूटरी नहीं पूछ रहे. अब देखो एक एक चीज समझानी पड़ेगी, राइट प्रिया? एक एक चीज समझानी पड़ेगी जो हमने समझी है, एक एक चीज जो कौन से सिक्रीट करेगा, कौन से रिलीजिंग हार्मोन होंगे, सब कुछ. ये क्वेश्चन तो आपका लॉन्ग आंसर 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें एक नहीं, मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगी आपके साथ और इन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स में आपके बहुत सारे डायरेक्ट MCQ आएंगे. रेडी? बिफोर आई मूव अहेड, हाउ इज दिस न्यू वे? यस, वेलकम. समझ आ रहा है? पूरा चैप्टर में आपको ऐसे कराऊ, क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स करा रही हूं, मैं क्वेश्चन के आंसर थोड़ा ना दे रही हूं. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, सुपर अमेजिंग, ताकि एग्जाम में अगर आएगा, बोर्ड एग्जाम की तुम टेंशन लेनी नहीं, दिसंबर से पहले वी विल क्वैश इट. मैं बता रही हूं ना आपको, टेंशन ही नहीं. एंड नीट एग्जाम के लिए कैसे हेल्पफुल नहीं है, मेलेटोनिन, स्लीप वेक साइकिल, सर्कैडियन रिदम, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, नीट एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. Is it clear? सबसे पहला नीट एग्जाम का क्वेश्चन किसका पार्ट है, किसका पार्ट है बता दो? हाइपोथैलेमस एक स्मॉल किसका पार्ट है? देख लो आपकी नजरों के सामने, ये 4 बार नीट में आ चुका है. इट इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, यस और नो? इट इज इन्वॉल्व इन द मीडिएशन ऑफ, आपको एक वर्ड याद है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तब ध्यान दिया ही नहीं होगा, मुझे पता है ना ये, क्योंकि जब तक मैं उसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं दूंगी और आंसर फॉर्म में नहीं बताऊंगी, ध्यान ही नहीं जाएगा. न्यूरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ऑटोनोमिक एंड बिहेवियर, न्यूरो एंडोक्राइन लिखवाया था ना वर्ड, और डाइनसेफेलॉन का पार्ट है. इज इट क्लियर? इसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी आएगा, इस पे कॉन्सेप्ट है, ये आपका प्योर कॉन्सेप्ट. इसके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं. क्यों न्यूरोसिक्रेटरी कहा मैंने, कौन बता देगा मुझे? बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो प्रोड्यूस करके दे रहा है ये. यस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो प्रोड्यूस करके दे रहा है. और किसको देगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. यस और नो? यस, इट कंट्रोल करेगा, इट कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ मेजर हॉर्मोन्स बाय द hypophyses which are summarized below. Hypophyses, right? Second, सबसे पहले adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropic releasing hormone. बेटा ये बहुत important है, सबसे important part है. तो मैं आपको यहां पर एक map बनाकर समझाना चाहती हूँ. ये रहा hypothalamus, hypothalamus बनाएगा thyroid releasing hormone जो जाएगा pituitary की तरफ. प्लीज इस वर्ड पे ध्यान दो, हाइपोथैलेमस बनाएगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. क्या बनाएगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो जाएगा पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी बनाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो जाएगा थायराइड के पास. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि क्यों मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो आपको बताना है सारे रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है. सारे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने वाला है आपका हाइपोथैलेमस. वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर इसने एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. अगर गोनाड्स को स्टिमुलेट करवाना है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. आगे जाके बनेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अगर प्रोलैक्टिन रिलीज करवाना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन. इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये जाकर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है. Got it?
Got it, everybody? Anterior pituitary से growth hormone करवाने, growth hormone releasing hormone, gonad release करवाने, anterior pituitary से FSH, LH release कराने, gonadotropin releasing hormone, जिसको GnRH भी कहते हैं। ये question देखो, and मुझे तो 500% विश्वास है कि Biotonians इस question को rock कर देंगे, totally rock, means next level rock, absolutely. A milkman's cow refuses to give milk. On being fondled by the calf, the cow produced enough milk. Explain the significance of the endocrine gland and the pathway related to this response. Endocrine reflex is created when the calf is suckling, causes increase in oxytocin. Isiliye jitne bhi milkmen hote hain, they are often going to abuse oxytocin. Is it clear, everybody? Right, oxytocin banna shuru hoga. Oxytocin concentrate hoga ek ya do minute mein. Signal will go to the nucleus in the brain, jo oxytocin banayega, jo karayega contraction. And this will lead to the release of milk. So suckling stimulus will go to the hypothalamus, which is going to send signal to neurohypophysis. Yahan adeno nahi likhna hai, posterior pituitary hai, oxytocin antidiuretic hormone, oxytocin utter flow of milk. Agar aapne ye last line likh di, aapko number mil jayenge. Yaad kijiye, main production ki baat nahi kar rahi hu. PP, production P, but I am talking about release. So, ab badh jaye apne very short answer type questions mein. And in tomorrow's class, I am going to start with growth hormone. Right? Samajh mein aaya kaise questions ho rahe hain? Kaise we are going to do in detail? Ab hum growth hormone detail mein padhenge. Growth hormone detail mein padhne ke baad hum iske sare theory questions solve karenge. Right? चलिए फटाफट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आज का जो वेरी शॉर्ट आंसर वाला आपका मेंटी है उस पर बढ़ चलते हैं. लीजिए देखते हैं आप लोग कैसा करते हो. 1 4 2 3 2 7 0 आ जाइए. चलिए सुपर डुपर अमेजिंग सुचेता एक्सेलेंट. लेट्स सी आप लोग कैसा कर रहे हो. चलिए मैं भी ज्वाइन कर रही हूं. menti.com joined. 1 4 2 3 2 7 0 चलिए क्लिपी एंड क्लिपी स्टार्टिंग. अरे यार कम ऑन गाइस, यू हैव टू जॉइन द मेंटी. स्टार्ट कर रही हूं मैं. ओके आई एम स्टार्टिंग. स्टार्ट काउंट डाउन. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द ओनली हार्मोन सिक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया. आई हैव रिटन डाउन. ओके वी कैन राइट द शॉर्ट फॉर्म. मुझे लग रहा है मैं ही जीतने वाली हूं. थैंक्स. आई हैव आंसर्ड. ओके ईशान जी मैंने तो कर दिया आंसर. शॉर्ट फॉर्म लिख दो ना पहले. आई वाज अबाउट टू राइट द लॉन्ग फॉर्म देन आई रोट द शॉर्ट फॉर्म. कम ऑन किड्स. आई आंसर्ड इन 4.791 सेकंड्स. यस द करेक्ट आंसर इज मेलानोसाइट.
melanocyte stimulating hormone, kitne answer aaye, melatonin, melanocyte stimulating hormone, melanin, TSH, FSH, hypothalamus likha hai logo ne, ADH, wah ji wah, wah wah wah, wah, croc, prathna, mega, saloni, swapna, bhuvan, satyam, phagi, heartstrong, keshav, I'm not there, sabko barabar points milenge jinhone bhi theek answer kiya hai, chaliye agle sawal pe, question number 2. Which hormone is known as birth hormone? Bada sahi question hai. Chaliye likhiye. I have written down my answer. Submit bhi kar diya maine. Dekhte hain. Come on kids. This is well done. अच्छा, आज की क्लास आपको कैसे लगी? अगर आप मेरे असली बायोटोनियन हो तो आपको मुझे बताना है. बेटा यहां स्पेलिंग गलत थे, यही तो बोर्ड एग्जाम में चेक होगा. ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये स्पेलिंग देख लो, माशाल्लाह. टॉक्सिक, आप फैला दो टॉक्सिसिटी हर जगह. टीचर ना ऐसे बड़ा सा काटा मारेगी एक टॉक्सिसिटी फैलाने वालों के लिए. टॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, हाइपोथैलेमस, एलएच, बड़ा सा काटा मारेगी वो. यस, ये देखिए प्रोलैक्टिन, टोसिन, क्या टॉफी टूफी है क्या? यस एवरीबडी, टीचर मारेगी बहुत बड़ा काटा, बोलेगी लो ये लो, वाणी मैम के स्टूडेंट बड़े बन रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक देख लो. टी ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीमीटर की तरह ये टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, ये टोस्ट खाने के मूड में लग रहे हैं मुझे, है ना? टोसिन. चलिए एक और सवाल. क्रॉक, सलोनी, स्वप्ना, सत्यम, रश्मि, ग्रेस, शामी, इंदु, जन्वी. ओह थैंक्स जन्वी, मार्स. एक और सवाल, मजा आ रहा है ना? ऑसम. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. बट गाइस, हाउ इज द क्लास टुडे? आपको मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, मेन कमेंट सेक्शन. ये मैं आपको कल की क्लास में कराने वाली हूं, पर देखते हैं आपको पुरानी नॉलेज कितनी है. फ्रॉम वेयर थायरोसिन इज सिक्रीटेड, बहुत सही क्वेश्चन है, कल की क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा. ईशान जी किसके लिए मोटिवेशन बनाए? मैंने इतने मोटिवेशन वीडियो बना दिए हैं भाई, तो आई थिंक कोई बेचारा मुर्दा भी मोटिवेट हो जाएगा. Nice, Nitin. ये देखिए thyroxin. It comes from thyroxin. But good adrenaline, insulin को घुसा दिया thyroid gland में लोगों ने. मतलब अलग ही iodine, amino acid, iodine को मतलब iodine, fluorine, सब कुछ मतलब ये तो yes अलग level है और अलग level. Iodine is a amino acid. Discovery करी है Nobel laureates. I am loving this mentee. बच्चे देखो मेरे, इसके आगे नाम, अब कल ना इनके आगे नाम डाल दूंगी मैं. थायराइड ग्लैंड ही एक अमाइनो एसिड है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अमाइनो एसिड है, थायराइड ग्लैंड, टायरोसिन, ई कहां गया? खा गए, भूख लग गई थी, एड्रीनलिन निकल गया एड्रीनल ग्लैंड से और पहुंच गया थायराइड ग्लैंड पे, ट्रिप्टोफैन, इंसुलिन. यस, मतलब ऑसम. Guys, but this is, I think, next level epic. But you really have to tell me in the comment section. Croc, you're doing well. Saloni, Swapna, Satyam, Simran, Arushi, Simran, Palak, Abhishek, Kumar Singh, and Shweta from Maharashtra. And Simran Vohra is the top one. Awesome. So guys, are you getting your point? लिखने में कितनी गलतियां हो रही हैं? बस मुझे इतना बताओ, yes या no. लिखने में गलतियां पता चल रही हैं? यार लिखने में तो ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है. मैं तो लॉन्ग आंसर को भी तीन तीन मिनट देके टाइप करवाती हूँ. अब रुको आप. लॉन्ग आंसर भी हम तीन तीन मिनट देके मैं आपको लॉन्ग आंसर भी टाइप करवाऊंगी. और आपको पता चलेगा जब क्वेश्चन आएगा, यार कितनी बार भी थ्योरी पढ़ लो, 50 बार थ्योरी पढ़ लो, पर अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे ना, तो एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे. यस और नो, क्वेश्चन के फॉर्म में बायो करेंगे तो ही बोर्ड एग्जाम में समझ आएगा, टाइप करेंगे तो ही स्पेलिंग मिस्टेक समझ में आएगा. आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक चाहिए. सो इमीडिएटली आफ्टर द क्लास मुझे 450 कमेंट आ जाने चाहिए. डन, एंड सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस.
आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट 6:30 बजे करनी है, उस लेक्चर के लिए जरूर आइएगा. एंड 9 o'clock की क्लास तो आपको पता ही है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है. और बाकी चीजें आई विल टेल यू कल की क्लास में. कल सुबह हम इम्यूनिटी करेंगे और बाकी के हॉर्मोन्स कल कंटिन्यू करेंगे. बाय.